नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव ने रोड शो निकालकर अपने समर्थन मांगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की। अखिलेश यादव ने इस दौरान अन्य दुकानदारों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भारी लाओ लश्कर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जिला तथा स्थानीय कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता के उत्साह से प्रतीत होता है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए शुभ होली का माहौल लेकर आएगा। और जनता ने मन भी बना दिया है। आप देख रहे हो, आज दिन भर से हम लोग 7 बजे से 11 बजे रात तक विभिन्न गांवों में उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है। हर कोई कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो। कांग्रेस पार्टी में ही सबको विश्वास है। बीकापुर से इस बार पंजे का विधायक बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए जनता ने पूरी तरीके से ठान लिया है। पहले बार आया हूँ, वो भी बीकापुर प्रभारी बन गए। और अखिलेश जी का जो व्यक्तित्व है, उसका नेतृत्व है और लोगों को लेके क्षमता है, वो पूरा जिला में एक अलग छवि बना के चल रहे हैं। और जिले में हमारी 5 सीट है, उसमें पूरा 5 सीट आने की संभावना बन रही है। तो मेरा विश्वास है 5 सीट यहाँ आ रही है। और योगी के नेतृत्व को झूठ बोलने की जो शैली है उनकी, उनको पूरा नकारते हुए पुराने जो हमारे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट आने की संभावना बनी हुई है और हमारा 5 सीट जीते। बांदा में बसपा के समर्थन में जनसभा करने मायावती पहुंची। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। सरकार बनी तो पिछली सरकार में जनता को मिल रही सभी सुविधाएं बहाल करेंगे। गुंडा राज और अराजकता को पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। इसी के साथ मायावती ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। फतेहपुर जनपद में स्वीप कार्यक्रम के तहत जनता इंटर कॉलेज छिवलाहा के छात्र छात्राओं और अध्यापकों के द्वारा मतदान जागरूकता अभियान से संबंधित रैली निकाली गई, जिसे आरओ हुसैनगंज नोडल अधिकारी प्रमोद त्रिवेदी तथा प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज छिवलाहा ने हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। रैली में विद्यार्थियों ने स्कॉट गाइड के बैंड पार्टी के साथ पूरे छिवलाहा का भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एमबीबीएस के 2 छात्र यूक्रेन में फंसने से उनके परिजन परेशान हैं और उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। बुलंदशहर नगर निवासी शान एमबीबीएस 5th ईयर और जनपद के सिकंदराबाद निवासी अनुराग सैनी 4th ईयर में एमबीबीएस यूक्रेन से कर रहे हैं। दोनों के परिजन युद्ध की आशंका के चलते फिलहाल दोनों के वतन सलामती वापसी करने की दुआ कर रहे हैं। MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। कीव में ही, यूक्रेन की राजधानी कीव में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वो वहाँ युद्ध के हालात बनने की वजह से यहाँ हम लोग काफ़ी चिंता में हैं। 4th वर्ष है उनका गए हुए और अभी पिछले महीने 17 जनवरी में ही वो घर से यूक्रेन के लिए गए थे। अब युद्ध की हालातों को सुनते हुए यहाँ हम काफ़ी चिंता में, हमारा परिवार और हम सभी लोग, और हमें अपना इंडियन गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद है कि वो किसी भी कंडीशन में हमारी बच्चे की हिफाजत करेंगे। 1 साल बाकी बची है उसके। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MBBS, डॉक्टरी MBBS। तो अभी आपकी लास्ट टाइम कब आपके बेटे से बात हुई है आपकी? अब ये 72 रोजाना हो रही है सर। रात बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो आने के लिए या ना आने के लिए? अभी ने बोला है, नौकरी के पापा का, तुम जो है इस टाइम टिकट के पैसे जमा कर दो, मैं टिकट किसी टाइम कभी भी आ सकता हूँ। तो क्या हालात वहाँ के बताए? हालात तो कुछ खराब चल रहे हैं सर, भाई कुछ शांति बता रहा है, शांति है कुछ।
और तो आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से ये अगर लगा लग ऊपर वाला ठीक। खबर बदायूं से है जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में तृतीय चरण के होने वाले 2022 के चुनाव को सुरक्षित पारदर्शी और निष्पक्ष संपन्न कराया और साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए जरूरी दिशा निर्देश के साथ रवाना किया। खबर बदायूं से है जहां के गुरा बरेली गांव में प्रति यूनिट 2 किलो गल्ला कम दिया जा रहा है। आपको बता दें कोटेदार अपनी मर्जी से गरीबों को प्रति यूनिट गल्ला कम दे रहा है। जब गांव वालों ने इसकी आवाज उठाई तो कोटेदार ने गल्ला ना देने की धमकी दी। आज हम आए हुए हैं ग्राम गुरा बरेला में, यहाँ पे कुछ जनता की परेशानी है गल्ले को लेकर। आइए हम जानते हैं क्या परेशानी है, गल्ला कितना क्या मिल रहा है। क्या नाम है आपका? राजवती। यहाँ पे जो आप बता रही हैं गल्ला कम मिल रहा है, यहाँ पे कोटेदार क्या नाम है? अब नाम ना हमें जानते हैं, आरे सर। कितना कितने यूनिट है आपके? 6। यानी आपका गल्ला बना 30 किलो, आपको कितना मिला? 3 किलो कमी। 3 किलो आपने अपने कोटेदार से? 4 किलो कमी। तो आपने कोटेदार से कही? अपने हमने कोटेदार से ना कही जाए के। आपको क्या क्या मिला? नोने की थैलिया मिली और ये चना की और देखा रिफंड। चावल कितने मिले आपको? 12 किलो में 11 किलो भाई चावल। गेहूँ? अब गेहूँ देखा 18 किलो में 16 किलो गए। अच्छा, तो यानी टोटल आपका 27 किलो गल्ला मिला आपके। हाँ। लिए 3 किलो गल्ला आपका कम मिला। हाँ। आपका क्या नाम है? रीना। रीना, आपको कितने यूनिट है आपके राशन कार्ड में? 6। आपको गल्ला कितना मिलता है? 30 किलो। 30 किलो पूरा। हाँ। मिलता है आपको? 30 किलो में 3 किलो कमी आ तो 2 किलो गेहूँ कमी है और देखा 1 किलो चावल कम। अभी कम मिलता है? इससे पहले भी कम मिलता था? पहले वो कम मिलते तो शुरू से ही कम मिल रहा है। किसी से आपने किसी से करी ना? करी है। नहीं करी ना। क्या क्या मिला आपके लिए गल्ले में? चना मिले, नमक मिलो और रिफंड मिली। आपको गेहूँ चावल कितना कितना मिला? गेहूँ मिले 16 किलो चावल और चावल 11 किलो। तो आपने देखा प्रति यूनिट पे 1 से 2 किलो गल्ला यहाँ पे कम दिया जा रहा है। कुछ अधिकारियों की लापरवाही से कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई भी अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा। आज हम आए हुए हैं चुनावी माहौल में अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन ने आज अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रत्याशी के समर्थक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ठाकुर और पंडित का वोट नहीं चाहिए। आरोपी समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी के गांव का ही रहने वाला है और जानकारी ये भी मिली है कि प्रत्याशी के समर्थन से ही आरोपी क्षेत्र पंचायत सदस्य बना है। मेरे भाई साहब खेत गए हुए थे, तो हमारा जो खेत है वो कोदेक प्रवा के पास है, जहाँ के 184 विधानसभा के प्रत्याशी विजय पासी हैं। तो उन्हीं के घर के थोड़ा सा आगे भाई साहब जब पहुँचे हैं तो उनके कुछ समर्थक थे, उन्होंने रोका उनको और कहा प्रचार प्रसार को लेकर कुछ बात हुई, तो बोला भैया ने बोला कि हाँ ठीक है चलेंगे। और भैया जैसे ही वहाँ थोड़ी दूर आगे चले तो उनके जो विजय पासी के बनाए हुए VDC प्रत्याशी हैं मौजूदा हमारे यहाँ के राम मनोहर पासी ने गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए ठाकुर और ब्राह्मण को माँ बहन की गाली देते हुए संबोधित किया और कहा कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए। फरीदाबाद में शातिर ठगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे। बल्लभगढ़ के कुमारवाड में एक घर के अंदर घुसकर दो ठगों ने महिलाओं से सोने के जेवरात छीन लिए। महिला को झांसा देकर ठगों ने सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। वारदात को अंजाम देकर भागने वाले शातिर ठग कैमरे में कैद हो गए। वहीं मामले में पीड़ित ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। और मैं अपने कार्यालय पर था, मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी माँ के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है कि मेरी माँ को कोई घर में घुसे हैं दो लोग और उन्होंने कुछ टुंगाया है और वो गहने चूड़ी वगैरह उतरवा के लेके चले गए। और तुरंत मैं आया हूँ और मैंने फिर प्रशासन को फ़ोन करा है, प्रशासन को भी फ़ोन करे हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से ना कोई फ़ोन है ना कोई अधिकारी है। ये प्रशासन का मेन बाज़ार बल्लभगढ़ कुमारवाड़े का ये हादसा है। दिन में फेलियर है प्रशासन का? ये बिल्कुल फेलियर है जी, प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है। पड़ोस के CCTV हैं आपने देखे हैं, उनमें दिखाई भी दे रहे हैं, तो क्या कुछ अंदाजा हो रहा है कितने लोग थे? वो दो लोग थे और जो जैसा CCTV से पता लग रहा है, बाकी CCTV की फुटेज निकलवाई जा रही है और वो प्रशासन को सौंप दी जाएगी। हमारे घर में आई जी सिस्टर थी, घर में मैं खाना खा रहा था, सिस्टर ने गेट खोला, उन्होंने कहा जी ये केमिकल है सुविधा के नाम से, सुविधा के नाम से अभी लॉन्च कर रहे हैं, अगले हफ्ते आपको मेडिकल स्टोर पे या जनरल स्टोर पे ही मिल जाएगा, या हमारी गाड़ी आएगी संडे को
उससे आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। 2500 रुपये का प्रोडक्ट है। उन्होंने कोई पाउडर से फिर वो तांबे वाला लोटा लिया सिस्टर से, वो साफ करके दिखाया। फिर उन्होंने कही जी इसे चांदी का या कोई भी वर्क हो वो भी साफ हो जाता है। एक पत्थर सा दिखाया उन्होंने कि ये पत्थर रगड़ने से जैसे आप सुनार पर कराते हैं उसमें बॉईल करके करो, उसको गर्म पानी करके करो, तो उन्होंने वो फोटो को तस्वीर को साफ करा, पत्थर रगड़ के तो तस्वीर साफ हो गई। फिर वो सिस्टर से कहने लगा मेरा कोई फ्रेंड आ गया, उन्होंने और केमिकल दिखाया सिस्टर को, इसमें गोल्ड की चीज़ को रख दो 10 मिनट के लिए और उसको निकालोगे 10 मिनट बाद तो ये वापसी साफ हो जाएगा, आपको किसी सुनार पर जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर मैं बाहर निकला, उन्होंने कि कोई गोल्ड की चीज़ नहीं, मैंने नहीं है जी हमारे पास कोई गोल्ड की चीज़। उसके बाद जब उन्होंने कही चलो भैया, दूसरा आदमी बोला, एक ने चश्मा लगा रखा था, तो दूसरा आदमी ने बोला कि भैया चलो चलो लेट हो रहे, कोई बात नहीं, जब गाड़ी आएगी जब देख लेंगे सामान ले लेंगे। वो प्रोडक्ट फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारियों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज पूरे हरियाणा के सभी जिलों में प्रदर्शन किया गया है और जिले के सभी जिला उपायुक्त को शहरी निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो समस्त हरियाणा के कर्मचारी आने वाले 6 मार्च को शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के हिसार निवास पर घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल जो पहले शहरी स्थानीय निकाय मंत्री थे अनिल विज जी, उन्होंने हमसे 2 दौर की वार्ताएं की थी और उन वार्ताओं में कोरोना से मौत होने पर कर्मचारी के आश्रित को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि और नौकरी देने के लिए वायदा किया था। 4000 रुपया प्रति माह कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने का वायदा किया था और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, ठेका खत्म करने के लिए, पक्की भर्ती करने के लिए, नए पद सृजित करने के लिए हमसे वायदा किया था, लेकिन मंत्री जी ने मांगे मानने के बाद एक भी पत्र जारी नहीं की। और अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे वर्तमान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं वो सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा करें, और नहीं करेंगे तो प्रदेश के कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ में जिला अस्पताल मलखान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल ओपीडी में डॉक्टर ने एक बीजेपी कार्यकर्ता से मास्क लगाने की बात कही तो बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर पर भड़क गए, डॉक्टर से बदसलूकी की, डॉक्टर स्टाफ से जमकर पथराव किया। घटना की सूचना पर अस्पताल के स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। मारपीट और पथराव के दौरान 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले में सीएमएस का कहना है कि कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी जा रही है। मेरे भाई को और भतीजे को मार, भाई का नाम है अशोक कुमार, बड़े भाई हैं, बड़े बूढ़े हैं, एक मेरा भतीजा था, क्या नाम है उसका, राहुल, और उनको मारपीट कर रहे थे, मैं बचाने गया तो मेरे साथ भी मारपीट कर रहे थे, और भी लोग गए तो उनको भी मारा पीटा उन्होंने। कौन लोग थे मारपीट? ये यहाँ के बनिया थे, कह रहे थे हम बीजेपी के हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, ये यहाँ ओपीडी में हुआ है। मलकान सिंह किस बात को लेकर हुआ? तो पता ना, डॉक्टर साहब से कोई बदतमीजी कर रहे थे, गाड़ी गलौज कर रहे थे, उन्होंने एक कहा भाई गाड़ी फाड़ी मत दो। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, खुद हल्ला हल्ला मचा के कह रहे थे। तो पथराव भी हुआ है? पथराव कराया, उन्होंने मारपीट करी है, के लोगों की 2 बार मारपीट करी है। डॉक्टर ने ये बताया कि इनके वहाँ पे बाढ़ पे कुछ लोग आए तो उन्होंने मास्क नहीं पहना था। डॉक्टर साहब ने इतना ही कहा कि आपने मास्क नहीं पहना, तो इसी बात पे वो मारपीट पे उतर, और काफी स्टाफ के लोगों के साथ भी वो किया, और इससे ज्यादा आगे मैं पता करके देखती हूँ क्या है। तो कोई पुलिस कार्रवाई करी जा रही है? पुलिस कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। कुछ पता लग रहा है कौन लोग हैं? मैं अभी नहीं कह सकती। दो लड़के आए, मैं जानता नहीं था कौन थे, सीधे अंदर आ गए, मैंने उनसे कहा कि आप मास्क पहन के आओ, कम उम्र के लड़के थे, मैंने कहा भाई मास्क लगा लो, अरे आप जैसे बोल रहे हो मास्क लगाओ बाहर जाओ, बिना मास्क के हम नहीं देखते। मैं ये कह रहा था, तो वो बोले अच्छा हम तुम्हें बात भी देखते हैं,
फिर देखने के बाद उन्होंने पता नहीं, मैं तो जानता नहीं था कौन थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लड़के इधर इकट्ठे कर लिए गेट पर। हाँ, गेट पे, गेट के अंदर इकट्ठे करते रहे। इकट्ठे करने के बाद हम लोग वहाँ जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया हम लोगों पे। अटैक कर दिया तो मेरे को तो लोगों ने पीछे कर दिया, हमारे बहुत सारे स्टाफ को उन्होंने चोटें ले लिया, जख्मी हुए। उसके बाद फिर पुलिस भी आई, उसके सामने भी इन्होंने लगातार मारपीट की है और छाट छाट के वो। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के गधरौली गांव में शराब के नशे में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। औंग थाना प्रभारी शेर सिंह राजपूत ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाने पर युवक की हालत बिगड़ गई है, अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना हम जब आए तो हमें मालूम भैया कि इसने टिकिया का पता है कहीं दवा खाई थी और यहाँ पे फांसी लगा के ऐसा लटक गया है। फांसी लगाया कि टिकिया खाया? टिकिया भी खाया है, महताजी को धक्का भी मारा है। मारने के बाद में यहाँ पे उन्होंने जो कुछ पावा हो लटका पटका, हम ये चीज को नहीं समझे। क्या नाम था इसका? इसका सुशील। क्या काम करता है? ये चैप्टर टीम का मिस्त्री है। कितनी उम्र है? 25। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।